Jai Hind and a very warm welcome to all of you viewers to this our weekend session, which is actually dedicated to the study of laws which played a very vital role in transforming India, which actually played a very vital role in making today's India. As you all know, our series is actually based on this book. We are covering this book thoroughly, and this will be the fifth lecture of this weekend series, in which we are going to discuss Government of India Act 1858. Which was a milestone in the constitutional history of India. और इसी की वजह से इसकी जो महत्वता है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक milestone है और आगे के जो सारे acts थे उन एक्टों का एक विकसित स्वरूप एक तरह से आप लोग कह सकते हैं, right from the act of regulating in the year 1773 till the charter act of 1853. यहाँ से जो पूरा governance था British प्रशासन जो था वो एकदम अलग से चेंज हो गया, जो पहले कंपनी का था आज दिन तक सिंस 1600 इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्राउन्स गवर्नेंस बाय दिस एक्ट. और इसमें कई सारी जो है कई सारे प्रावधान भी यहाँ किए गए, कई सारी प्रोविजंस भी की गई जो आगे चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एमरजेंस में बहुत मदद रूप साबित हुआ. तो बहुत महत्वपूर्ण है आज का यह एक्ट, और इसका टाइटल हमें दृश्य माने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ठीक है, इसका कारण भी हमें मालूम है, एक सोल रीजन था जिसकी चर्चा हम लोग आगे इसके बैकग्राउंड में करेंगे, और इस पूरे लेख को हम लोग इसी स्टेप में देखने का प्रयास करेंगे. सर्वप्रथम बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे, और आखिरी में उसका जो इंपॉर्टेंस है या इम्पैक्ट है या अगर क्रिटिसिज्म है तो उसकी भी चर्चा करेंगे. देखते हैं, सबसे प्रथम हम लोग बैकग्राउंड की बात करेंगे. तो इसका एक सोल रीजन था, ईयर वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज एज यू ऑल नो अवर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एक्चुअली अरोज्ड इन दिस ईयर. हालांकि ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा इसको एकमात्र विद्रोह ही बताया गया, सैनिक विद्रोह, मगर यह सैनिक विद्रोह सिर्फ नहीं था, सैनिक विद्रोह मात्र नहीं था विद्रोह, मगर ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष था, जिसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक विवरण वीर सावरकर ने अपने पुस्तक 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम में जो है इसका वर्णन किया है. तो इसको एक विद्रोह मात्र ही नहीं देखते हैं हम लोग इसे हमारा जो प्रथम प्रयत्न है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की ओर, इसी तरह हम लोग देखते हैं. जो म्यूटिनी जो लेबल दिया गया है वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा दिया गया है, ताकि जो है इंग्लैंड का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव है वो कम ना हो इतिहास में. इसलिए मगर अगर हम लोग भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो निसंदेह ये सबसे प्रथम, सबसे बड़ा जो है प्रयत्न था स्वतंत्रता की ओर. तो यही एक इसका सोल रीजन है जैसे यह रिवोल्ट शुरू हुआ पूरे भारत में, इंडिया वाइड. तो एक प्रेशर बिल्टअप हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर, और यहाँ से जो कंपनी के ऊपर जो भरोसा था ब्रिटिश संसद का वो अब उठ गया, क्रिएटेड डिसबिलीफ इन गवर्नेंस ऑफ कंपनी. आज तक हमने देखा कि 1773 से संसद जो है वो कंपनी के काम को सुपरवाइज करने लगी, कंपनी के काम में हस्तक्षेप करने लगी, क्योंकि 1773 में उन लोगों ने देखा कि कंपनी जो है वो अपने प्राथमिक उद्देश्य से भटक गई है. तो सिंस देन संसद जो है वो मॉनिटर कर रही थी कंपनी के कार्यकाज, मगर यहाँ 1857 में जो इंडिया वाइड रिवोल्ट हुआ यहाँ से एक डिसबिलीफ का जन्म हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के मानस में, कंपनी की विरोधी, कि भाई कंपनी जो है वो अब चल नहीं सकती, कंपनी असक्षम हो गई है, प्लस उसका जो कार्य है वो अप टू द मार्क नहीं है. ठीक है, तो कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए और ये जो कंपनी का जो गवर्नेंस है वो क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करने के लिए यह एक्ट जो है वो दाखिल किया गया था, ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करने के लिए. तब के जो प्रधानमंत्री थे पाल्मरस्टोन इंग्लैंड के, उनके द्वारा यह बिल
ब्रिटिश संसद में लाया गया, मगर कुछ कारणों की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। कोई अलग कारण थे, ये बिल के संबंधी कोई कारण नहीं थे, मगर कोई अलग कारणों की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा वहाँ के प्रधानमंत्री पद से। और आखिरी में जो लॉर्ड स्टेनली थे उन्होंने एक नया बिल लिया और नया बिल लाए और उनको पारित करवाया और लागू भी करवाया। तो इसी के तहत कंपनी जो है वो अब ज़ीरो हो गई। कंपनी का गवर्नेंस हमने देखा कि 1773 से धीरे धीरे कंपनी की जो प्रशासन था कंपनी का, उसमें फेरफार ब्रिटिश संसद के द्वारा होता रहा था। प्लस कंपनी के पास से कुछ पावर्स भी ले लिए गए थे, मगर यहाँ जो है अब लिमिट जो है वो खत्म हो गई थी, यहाँ सीमा खत्म हो गई थी। अब कंपनी को यहाँ लिक्विडेट ही करना था, क्योंकि कंपनी के कार्य की जो कल्पना की हुई थी वो कल्पना पूर्ण नहीं हो रही थी, प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहे थे स्टडी कंपनी के। तो इसी की वजह से कंपनी को जो है रफा दफा करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, प्लस भारत का जो प्रशासन है वो सीधा क्राउन के नीचे लाने के लिए, सीधा ब्रिटिश जो राजतंत्र था उसके नीचे लाने के लिए यह एक्ट जो है वो पारित करवाया, जो कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक सीमा चिन्ह रूप घटना है। और जैसे मैंने बताया कि यही इसकी महत्वता को बढ़ावा देता है। इसमें जो प्रावधान है वे कम प्रावधान है, मगर महत्वपूर्ण प्रावधान है, पूरे प्रशासन को रूपांतरित करने वाले प्रावधान है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे प्रथम हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव वही रहेगा जिसकी चर्चा हमने की, टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय ट्रांसफरिंग द पावर्स फ्रॉम द कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। आज तक जो कंपनी प्रशासन कर रही थी, चाहे वो कॉमर्शियल कामकाज हो या गवर्निंग कामकाज हो, कंपनी के पास दोनों ही ले लिए गया और दोनों ही डाल दिए ब्रिटिश क्राउन के अधीन, उसके आधिपत्य के नीचे डायरेक्ट पूरे ब्रिटिश इंडिया को। और टू लिक्विडेट द कंपनी, यानी कि कंपनी को रफा दफा करना, कंपनी को खत्म करना, ठीक है। तो ये प्राथमिक उद्देश्य है जिसके साथ यह एक्ट जो है वो लागू किया गया था पूरे भारत भर में। आगे अगर मुख्य प्रावधान की बात करें तो थोड़े प्रावधान है यहाँ में देखने जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्निंग प्रिंसिपल्स यहाँ दिए गए हैं कि कैसे ब्रिटिश संसद ने कंपनी के पास से पूरा प्रशासन लिया भारत का और वो हस्तांतरित किया ब्रिटिश क्राउन को, तो वो यहाँ देखना थोड़ा जरूरी है। देखेंगे, ऑल पावर्स ऑफ द कंपनी वॉज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन। ऑल पावर्स, कुछ बाकी नहीं रहा, कंपनी का पास कुछ रहा ही नहीं, इनफैक्ट कंपनी ही नहीं रही, चाहे वो रेवेन्यू हो या कोई अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव हो, दोनों ही जो कार्य थे भारत के संदर्भ में, भारत संबंधी, वे सब क्राउन को हस्तांतरित कर दिए गए। पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज रिनेम्ड एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये भी एक बड़ी बात है, आज तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो कंपनी का एक कर्मचारी था, मगर यहाँ कंपनी अब रफा दफा हो गई है तो गवर्नर की जगह अब वाइसरॉय ने ले ली। यह सिर्फ नाम का ही चेंज नहीं है, यहाँ कार्य में भी चेंज हुआ है, यहाँ जिम्मेदारी में भी चेंज हुआ है, ठीक है। अब ये जो वाइसरॉय है वो सीधा एजेंट बन गया, एजेंट ऑफ क्राउन, और वो सीधा जो है क्राउन को अब इसको जवाब देना है, इसकी जवाबदेही, यानी कि द अकाउंटेबिलिटी ऑफ वाइसरॉय वॉज डायरेक्ट टू द ब्रिटिश क्राउन, जैसा गवर्नर जनरल के मामले में भी देखने को नहीं मिलता। और यहाँ एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है, गवर्नर जनरल, गवर्नर से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और आखिरी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये हमें टाइम स्टैम्प्स में देखना है, जैसे 1773 तक हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट, तब तक गवर्नर था, सामान्य सा गवर्नर ऑफ बंगाल था, मगर अब 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, जो 1773 तक सामान्य सा गवर्नर था, जो कि मात्र और मात्र बंगाल का प्रशासन देखता था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया और उसे कुछ अन्य प्रेसिडेंसीज के जो पावर्स थे वे भी इसको दिए गए। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और
बॉम्बे की वहाँ के गवर्नर्स के जो पावर्स थे उनको खत्म कर दिया गया और उनको इसके अधीन ला के रख दिया गया। यहाँ खत्म नहीं हुआ था, ये बात हमें याद रखनी है। यहाँ सिर्फ सम ट्रांसफर ऑफ पावर्स वॉज हैपन्ड बट स्टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी वॉज देयर, द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंसीज गवर्नर वॉज देयर, ठीक है, मगर यहाँ वो एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया गया। और आखिरी में यानी कि आज के इस चर्चित एक्ट में 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया वाइसरॉय। ये दोनों ही कंपनी के है, ये हमें याद रखना है, कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। मगर अब यहां वाइसरॉय में ईस्ट इंडिया कंपनी निकल गया, वो सीधा डायरेक्ट आ गया क्राउन के नीचे, क्योंकि अब कंपनी ही नहीं रही। कंपनी के ऊपर से ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश के राजतंत्र को, कंपनी के कार्यों के ऊपर से भरोसा जो है वो उठ गया, क्योंकि इतना बड़ा आप कह लीजिए संग्राम जो है वो होने वाला था। हालांकि इन लोगों ने बल प्रयोग करके यह पूरे संघर्ष को दबा दिया, प्लस कुछ ऐसे भी कई सारे कारण थे जिसकी वजह से हमारा पहला प्रयत्न स्वतंत्रता संग्राम का निष्फल रहा। हालांकि इस कारणों में हमें नहीं उतरना है, आज वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है, मगर हमें मालूम होना चाहिए उसका कारण, ये हमारे लिए थोड़े महत्वपूर्ण है। तो अब वाइसरॉय सीधा डायरेक्ट क्राउन के तले आ गया, क्राउन जो है वो अब भारत की देखरेख करेगा, ब्रिटिश इंडिया की देखरेख करने वाला है। प्लस अगर इस एक्ट के दूसरे नाम की चर्चा करें तो इसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे एक्ट भी कहते हैं, तो ये नाम भी हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश संसद ने बहुत ही ईमानदारी से प्रयत्न किया कि फॉरेन रूलर्स और नेटिव रूलर्स के बीच का जो संबंध है वो हारमोनियस बने, वो अच्छा बने, आप कह लीजिए वो सुमेल युक्त बने, ठीक है। मगर इसकी जो है कुछ लिमिटेशंस भी है यह एक्ट की, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे, मगर यहाँ हमें देखना है कि इसका दूसरा नाम जो है वो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश संसद के द्वारा ईमानदारी से प्रयत्न हुए थे दोनों पक्षों के बीच में एक सुमेल साधने के लिए, एक हारमोनी बनाने के लिए। इसके अलावा ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात है ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये जो पद था, ये पद का चयन दरअसल जो ब्रिटिश मैजेस्टी था तब क्वीन विक्टोरिया थी, तो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज उनमें से एक को चुनना था और पूरे भारत की जो जिम्मेदारी है वो उनको उसको देनी थी, एंड ही वॉज अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश मैजेस्टी डायरेक्टली। तो ये पद का निर्माण हुआ, ये एक इस कानून की मुख्य जो है प्रोविजन है, मुख्य प्रावधान है, वन टू बी चूजन टू सी अफेयर्स ऑफ इंडिया। देयर वॉज अ चेन ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज टू हर मेजेस्टी, मगर इसमें से एक को चुनना है और इसको भारत संदर्भी जो कार्यभार है वो उसको सौंपना है, भारत संबंधी जो अफेयर्स है वो इसको सौंपने हैं और उसको जिम्मेदार बनाना है। तो यहाँ एक बात ये अच्छी हुई कि ओनली वन पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर द एंटायर अफेयर्स ऑफ इंडिया एज अ ब्रिटिश पोजेशन, मात्र एक व्यक्ति ही यहाँ जवाबदेह था, तो ये अच्छा है। कंपनी में क्या होता था कि किसकी अकाउंटेबिलिटी है वो ही तय नहीं हो पा रही थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी तय नहीं हो पा रही थी। गवर्नर जनरल जो थे वे भी जो है एक अब कह लीजिए अलग अलग आते रहते थे समय के अलग अलग बिंदुओं पर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करना एक चुनौती थी तब, मगर यहाँ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो गई है, अच्छी तरीके से सेट हो गई है। तो अब ये जो है भारत के संदर्भ में एक सकारात्मक संकेत है। और जो 1857 का जो प्रथम हमारा प्रयत्न था वो भी ऐसे
ओवरनाइट प्रयत्न नहीं था, इट वॉज नॉट ए फोर्टनाइट इश्यू, ये एक ग्रेजुअली एंगर था जो कि कई बरसों से बिल्ड हो रहा था धीरे धीरे, और 1857 में जाके वो निकल गया। और इसकी शुरुआत भी जो है सैन्य टुकड़ियों से ही हुई है, और हमें जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का नाम भी हमें मालूम होना चाहिए जो कि मंगल पांडे थे, और उनके द्वारा यह पूरे विद्रोह का जो है विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मगर यह विद्रोह सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, बिकॉज देर वॉज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, देर वॉज अ लैक ऑफ यूनिटी, देर वॉज नो एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो कम्युनिकेशन, प्लस जो हमारे पास रिसोर्स थे वे भी थोड़े कम थे इन कंपेरिजन टू अवर राइवल्स, यानी कि ब्रिटिश जो लोग थे उनके पास बहुत ही अच्छे मात्रा में रिसोर्सेस थे, और वी आर लैकिंग ऑफ सच रिसोर्सेस। ठीक है, तो ऐसा कुछ कारणों की वजह से ये सफल नहीं हो पाया, मगर इसको सैनिक विद्रोह मात्र कहना उचित नहीं है, ये एक बड़े पैमाने पर एक प्रयत्न था भारतवासियों के द्वारा अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए। और यही बड़े प्रयत्न ने जो शासन तंत्र था उसके स्वभाव को, उसकी शक्ल को जो है चेंज करके रख दिया, उसमें फेरफार कर दिए। और इसी बड़े प्रयत्न की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन के ऊपर जो भरोसा उठा उसका भी यही कारण है। तो इसे मात्र सैनिक विद्रोह कहना उचित नहीं रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिक विद्रोह कोई नहीं कहता, मगर सिवाय के ब्रिटिश हिस्टोरियंस, उनके अलावा कोई इसको म्यूटिनी नहीं कहता, भारतवासी तो नहीं कहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट वॉज पोटेंशियल इनफ टू चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टू चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स इंडिया। देखेंगे आगे। तो ये एक ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी की बात हुई, ये एक पद को बनाया गया जो हमें याद रखना है, और ये पद जो है वो है ब्रिटिश मेजेस्टी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे उस चेन में से एक व्यक्ति को भारत के संदर्भी कार्यभार जो है उसको सौंपना था और उसको जवाबदेह बनाना था। तो दिस वॉज द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, प्लस यही पद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बॉर्डर कंट्रोल, इन दोनों बॉडी का जो पावर था वो इसमें निहित कर दिए गए, क्योंकि अब कंपनी ही नहीं रही तो कंपनी के जो बॉडी थे वे भी नहीं रहे होंगे, बट ऑब्वियस है। तो दोनों के पावर को यहाँ निहित कर दिया गया, जिसमें प्रथम बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके साथ साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन दोनों के पावर्स को इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद के अंदर निहित कर दिया गया, उसको ताकतवर बना दिया गया, ताकि वो अच्छे से अच्छी तरीके से भारत संदर्भ भी जो कार्यभार है वो संभाल सके, कार्य अच्छी तरीके से स्मूथली कर सके। तो दिस वॉज द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखते हैं आगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। यस, अब हमें मालूम ही है कि ऐसी जो काउंसिल होती है वे काउंसिल दरअसल ऐसे जवाबदेह पदों को मदद रूप करने के लिए, सहायता करने के लिए बनाई जाती है। जैसे हमने देखा था यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखे हमने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखे, या आगे हमने इंडिया काउंसिल भी देखा। ठीक है, तो ये ऐसे सारे बॉडीज है जो कि किसी भी जवाबदेह पद को मदद रूप के लिए, मदद करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मदद करने के लिए यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल का गठन किया गया। यह एक परिषद थी जिसको कई सारे पावर दिए गए हैं, बट ऑब्वियस है अब कंपनी नहीं रही तो भारत के संदर्भ में किसी को तो काम संभालना है, और यह काम संभालने के लिए हमें मालूम ही है कि पावर देने होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो पावर साथ में हमें देने ही होंगे। तो उसी के तहत इसको, इसका जो है इसकी रचना हुई, और इट वॉज ए कॉरपोरेट बॉडी टू लुक बिजनेस अफेयर्स ऑफ इंग्लैंड इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, या आप कह लीजिए ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि तब तो हमारा भारत जो था वो अंग्रेज भारत था, स्वतंत्र स्वाधीन भारत नहीं था। ठीक है, इसके अलावा इसको एक और भी जिम्मेदारी दी गई कि नियम बनाने की, भारत में सर्विसेज में भर्तियों के लिए नियम बनाने की, उसको नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने की यानी कि रेगुलेट करने की जो सत्ता थी वो भी इस काउंसिल को दे दी गई। रेगुलेट
civil services in India. तो ये भी अपने आप में जो है बड़ा कार्य है जो इसको सौंपा गया यह काउंसिल को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल को, प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो सत्ता मिली हुई थी कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, वो सत्ता भी इसमें नीत कर दी गई. पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो यह भी इसमें निहित कर दी गई. तो कुल मिलाकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को ताकतवर बनाने के लिए सत्ता है जो है उसको दी, सत्ता जो है वो उसको दे दी गई. तो ये अपने आप में अच्छी बात है. तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल. आगे देखें तो काउंसिल ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टेब्लिश्ड विद 15 मेंबर्स. ये जो हमने काउंसिल देखी उसकी ही बात है जिसमें 15 सभ्य थे, सदस्य थे. एंड इट वाज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. जैसे मैंने बताया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, मदद रूप होने के लिए, सहायक होने के लिए यह पूरी काउंसिल का गठन किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा. और इसके तहत, इस एक्ट के तहत जो पूरा कार्यभार था जो कंपनी के पास था वो वहां से खींचकर सब दे दिया गया जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो डायरेक्टली अकाउंटेबल था ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है. और इसी के तहत क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. यही एक्ट के तहत क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया. तो ये भी अपना आप एक अच्छी बात है, हमारे लिए जाननी जरूरी बात है, ठीक है. अब अगर हमें आगे देखना है तो वी नीड टू सी फ्यू क्रिटिसिजम्स एंड फ्यू इंपोर्टेंस रिगार्डिंग द एक्ट. क्योंकि क्रिटिसिज्म और इंपोर्टेंस देखकर ही हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं कि यह जो एक्ट था वो कितना अच्छा था, कितना जो है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए अच्छा था. तो एक बात मैं आपको बता दूं कि निसंदेह यह एक्ट ने ट्रांसफर ऑफ पावर जरूर की ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन की जो जो है पावर का जो हस्तांतरण हुआ ये बेशक अच्छा था. प्लस यह एक्ट ने यह भी देखा कि भारत के जो शासनकर्ता है यहाँ के देसी शासनकर्ता प्लस विदेशी शासनकर्ता यानी कि वे लोग, इन लोगों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन डेवलप हो, एक अच्छा संबंध डेवलप हो, यह भी देखा. मगर यह पूरी प्रक्रिया में, शासन प्रक्रिया में ये लोग यहाँ के नेटिव लोगों को शामिल करना भूल गए हैं, यानी कि इंडियन नेटिव्स वर नॉट एक्चुअली इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. तो ये अपने आप में इस एक्ट का क्रिटिसिज्म हम लोग कह सकते हैं. तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा क्रिटिसिज्म और यहाँ इम्पोर्टेंस हम लिख सकते हैं. जिसके तहत तो सर्वप्रथम क्रिटिसिज्म रहेगा नो नेटिव इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन. प्लस अगर दूसरा क्रिटिसिज्म हम लोग देखें तो भले ही यह एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन कर क्राउन में डाल दिए, मगर देर वॉज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड. ग्राउंड रियलिटी के ऊपर किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि यह कंपनी का शासन खत्म हो गया. और कंपनी का शासन खत्म होने से अब जो शासन आ गया वो डायरेक्ट ब्रिटिश का आ गया. गवर्नर जनरल जो है वो खत्म हो गया और अब वायसराय शुरू हो गया. मगर इसकी ग्राउंड के ऊपर जो इफेक्ट थी, असर थी, वो नहीं थी. इट वॉज एक्चुअली नेग्लिजिबल. तो ये भी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं नो सिग्निफिकेंट चेंज ऑन ग्राउंड इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये भी इस एक्ट का एक लिमिटेशन हम लोग कह सकते हैं. प्लस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को बनाया गया और ऐसा कहा गया जैसे हमने जिक्र किया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के एक चैन में से किसी एक व्यक्ति को चुनना है और इसको भारत का कार्यभार देना है.
मगर अब इश्यू यह था कि कौन यह कार्यभार संभालने के लिए सक्षम है, कौन भरोसा पात्र है, किसको दिया जाए, तो यह भी अपने आप में एक चुनौती समान था। तो यह भी इसका एक क्रिटिसिज्म हम लोग कह सकते हैं, इश्यू ऑफ अपॉइंटिंग ट्रस्टवर्दी सेक्रेटरी, जो कि भारत का कार्य अच्छी तरीके से कर सके, बहुत ही उम्दा तरीके से ये कर सके। वहीं अगर हमें इंपोर्टेंस की बात करनी है तो दो मुख्य इंपोर्टेंस हम लोग दे सकते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अब डायरेक्ट एक्टिव हो गई, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन, जो आज तक कंपनी के द्वारा हो रहा था, फिर कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट को सब बातें जो है, सब अफेयर्स जो है वे बताते हैं। तो इस तरह कुछ इनडायरेक्ट सा आप कह लीजिए पावर ऑफ अटर्नी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, मगर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्टली इंक्लूड हो गया है, डायरेक्टली जो है अब सामने आ गया है भारत के प्रशासन के सामने, या भारत का प्रशासन इसके ऊपर सीधे आ गया है, टू बी प्रिसाइज हम लोग ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो कह सकते हैं हम लोग, जिसका जिक्र हमने आगे किया, ओनली वन पर्सन अकाउंटेबल फॉर अफेयर्स, जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को या क्राउन को किसी व्यक्ति को ढूंढने की अब जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब मात्र एक ही व्यक्ति है जिसको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई भारत के संदर्भ में आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये इसके इंपोर्टेंस के तरह हम लोग देख सकते हैं। तो हमने कई सारी बातें देखी इस एक्ट के संदर्भ में, बैकग्राउंड से शुरू किया और इसके कारण भी देखे, कारण भी तपासे, जिसके तहत हमने देखा कि देयर वॉज ओनली अ सोल रीजन दैट 1857 इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल क्रिएटेड अ डिसबिलीफ इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द इश्यू ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये इसका एकमात्र कारण था। उसके बाद हमने कई सारे प्रावधान देखे, जिसमें देखा कि अब गवर्नर जनरल का जो पद है वो समाप्त हो गया कंपनी के साथ ही, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया का पद जो है वो नया जन्मा, जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को जवाबदेह था, ब्रिटिश क्राउन को जिम्मेदार था। उसके बाद हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी देखा, उसके कौन कौन से पावर्स थे, क्या क्या प्रावधान थे वो भी देखे। उसके साथ साथ हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल देखी, उसको क्या पावर्स दिए, कितने मेंबर है, उसकी भी बात की। प्लस हमने क्रिटिसिज्म देखा और साथ में हमने इसका इंपॉर्टेंस देखा। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि द एक्ट एक्चुअली वॉज ए माइलस्टोन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गठन में, भारतीय स्वशासन में ये एक जो है सीमा चिन्ह रूप कानून था, जिसका अभ्यास हमारे लिए थोड़ा जरूरी है, जिसको जानना जरूरी है। तो आज हम लोग यहाँ इस चर्चा को विराम देते हैं, अगले हफ्ते मिलेंगे अगले ऐसे महत्वपूर्ण कानून के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।